मध्य प्रदेश में भारी बारिश का तांडव जारी है। नर्मदापुरम जिले में भयंकर बारिश हुई, जिससे हालात बद से बदतर हो गए। नर्मदापुरम जिले में शनिवार देर रात से हो रही तेज बारिश के चलते एमपी के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी में लैंडस्लाइड हो गया। लैंडस्लाइड के चलते बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े सड़क मार्ग पर आ गए। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पार्क प्रबंधन ने 21 जुलाई को इस मार्ग से आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया। पचमढ़ी के सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ। हालांकि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई है। फॉरेस्ट टीम ने मौके पर पहुंचे पर्यटकों की सुरक्षा के लिए यातायात को रोक दिया है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पार्क प्रबंधन ने इसकी सूचना भी जारी कर दी है। रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है और मार्ग को क्लियर करने में जुट गई है। वहीं अचानक मार्ग बंद होने से पर्यटक निराश दिखे। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन एमपी में जमकर बारिश होने वाली है। वहीं बात करें राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में रुक रुका कर बारिश हो रही है, लेकिन पूरे दिल्ली एनसीआर में अभी लोगों को उमस से कोई राहत नहीं मिलती दिख रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि अभी मानसून का झुकाव दक्षिण की तरफ ज्यादा है, जिसकी वजह से केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से रेड अलर्ट जारी करना पड़ गया है। बता दें कि आईएमडी ने रिपोर्ट जारी कर बताया है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कई जिलों में गुरुवार को हल्की बारिश की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने येल्लो अलर्ट जारी किया है, यानी कि आज भी हल्की बारिश की संभावना है। बताते चलें कि बुधवार को दिल्ली के कई हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई थी, लेकिन न्यूनतम तापमान औसत से 2 डिग्री ज्यादा 29.8 बना रहा और उच्चतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस बना रहा। पश्चिम भारत के कई हिस्सों में शनिवार को भारी बारिश हुई, जिसमें मुंबई और नागपुर में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई में रुक रुक कर बारिश हुई और शहर के कई हिस्सों में जलभराव हुआ। हालांकि लोकल ट्रेन का संचालन सामान्य रहा। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, क्योंकि शनिवार को भी भारी बारिश जारी रही, जिससे गांवों का संपर्क टूट गया और निचले इलाकों में पानी भर गया। इसके मद्देनजर बचाव और राहत कार्य शुरू कर दिए गए और एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।